कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अलीराजपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है और कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे कई लोगों को पुलिस ने पकड़कर अस्थायी जेल में भेज दिया है। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से अलीराजपुर जिले में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन इस दौरान लोगों ने कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए बाजारों में घूमना शुरू कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर प्रताप हाई सेकेंडरी स्कूल की अस्थायी जेल में भिजवा दिया है। SDOP धीरज बब्बर ने बताया कि 19 लोगों पर कार्रवाई कर उन्हें अस्थायी जेल भेजा गया। अलीराजपुर से यतेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। क्योंकि कल से जिले में कर्फ्यू लागू है, तो आज सुबह से ही पुलिस और प्रशासन द्वारा मिलकर जो भी लोग अनावश्यक घूम रहे थे और कर्फ्यू का जो उल्लंघन कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति जो अपने घर के सामने अनावश्यक रूप से टहल रहे थे, घूम रहे थे, उन्हें सबको आज जो है पुलिस द्वारा निरुद्ध किया गया है और इनके खिलाफ जो है 151 की कार्रवाई की गई। सर कितने लोग हैं? सर अभी कुल 20 लोग हैं और ये अभी मुहिम अभी लगातार जारी है। सबको देखते हुए ये पाया कि लॉकडाउन का पालन ठीक नहीं हो रहा है, मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, गाड़ियों में लोग 2 से ज़्यादा बैठ कर के वाहन कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये पाया कि ये जो परिस्थितियाँ हैं वो ठीक नहीं है, और इसी को देखते हुए फिर प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि कर्फ्यू लगाना बहुत जरूरी है। अभी उम्मीद की जा रही है कि अलीराजपुर की जनता कर्फ्यू का अच्छे से पालन करे। अब जो लोग कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उनको हम उठा करके अस्थायी जो जेल बनाई गई सर प्रताप, उसमें आज हम लोगों ने करीब 18 से 20 लोगों को उठा करके और उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी इस तरह के कर्फ्यू का उल्लंघन करेगा उससे तो हम सख्ती से काम करेंगे। प्रशासन की सबसे गुजारिश है कि सब लोग बिल्कुल कर्फ्यू का पालन करें, प्रशासन को सहयोग करें और अलीराजपुर को कोरोना मुक्त है और रखें।